समर्थ को जानता हूँ इनसाइड आउट, मुझे वो दूर जाने के लिए वो क्या क्या किस चीज़ से गुजरा है वो। दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं दूसरे लोगों को। नहीं, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जिस तरह से चल रहा है बिग बॉस तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है उसमें। इट्स बेटर कि वो बाहर आ जाए। हालांकि उस वक्त मुझे उसने हक करते बोला था अच्छा हुआ यू कम बैक टू मी बट आई वॉन्टेड यू टू विन इट। मैंने बोला आई विन आई वॉन्टेड इट बट ठीक है। शॉकिंग तो मुझे वैसे ज़्यादा कुछ लगा नहीं क्योंकि अंदर सारी असलियत और हकीकत देख कर आ रहा हूँ मैं। तो जब एक बार आप बिग बॉस में रहकर आते हो तो शॉकिंग होना बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जो आपको शॉक करती है वैसे। सो आई एम नॉट रियली शॉक, आई थिंक ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इट्स मोर अबाउट कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हम एक साथ आकर। हाँ, सो वो एक तरह से रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ गई है। सो वी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। यही मैंने आपको इंटरव्यू में भी बोला है कि हमारा स्ट्रांग हमारा बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। सो एक चीज़ अच्छी हुई है हमारे साथ क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं दूसरे लोगों को। साथ देने के बजाय एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है। सो इट्स बेटर कि हम साथ में थे और हम अभी भी साथ में। हाँ हाँ, काफी तोड़ने की कोशिश की बट हम ऐसे थोड़ी ना वीक लोग हैं। थर्मोकोल का थोड़ी ना प्लेट है जो टूट जाएगा। शादी की मजाक थोड़ी ना है यार, रियल शादी है, मजाक नहीं है। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं कि हमने साइन करके मैरिज सर्टिफिकेट। गलत है, सी वायलेंस इज रॉन्ग बट ये मापदंड कौन डिसाइड करेगा कि पोकिंग में क्या क्या अलाउड है। तो मतलब ये चीज भी तो क्लियर कर दो कि हाँ अच्छा मेंटल हेल्थ पे आएगा तब मार सकते हैं, नहीं तो उससे पहले नहीं मार सकते। तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हैं कि इतना कोई पोक करता रहे इंसान को और उन चीज़ों को लेकर कि जो इंसान सामने वाला जो पोक कर रहा है वो जानता है कि वो किस दौर से गुजरा है। तेरी ही गर्लफ्रेंड से दूर जाने के लिए वो क्या क्या किस चीज़ से गुजरा है वो। सो यूजिंग दैट इन अ फाइट इज़ वेरी अनफेयर एंड वेरी रॉन्ग। मुझे उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन वैलिड नहीं लगता। मैं समर्थ को जानता हूँ इनसाइड आउट, मुझे वो कोई एक्सप्लेनेशन वैलिड नहीं लगता। नहीं, सामने वाले फैंडम्स ये कि अभिषेक वापस आया, मुझे सामने वाले फैंडम्स यही बोलेंगे और उनका हक है, फैंस को कोई मना नहीं कर सकता। पर मेरे ख्याल से ये डिसीजन मेकर्स का है, सलमान भाई का है एंड आई थिंक आई स्टैंड बाय सलमान भाई इन दिस। मोस्ट फेयर डिसीजन एवर। बोला नहीं तुमने, स्टैंड नहीं लिया एंड आई एग्री विद दैट। इफ ही वुड हैव सेड इट एटलीस्ट किसी तरह से वो जाहिर करता कि तूने जो हाथ उठाया वो गलत था लेकिन समर्थ तूने जो किया वो ज़्यादा गलत था, तेरी वजह से ये चीज़ हुई है। मैं खड़ा होता वहाँ पर, मैं बोलता आपको पता है तुम यहाँ पे रह के भी केस कर सकते हो। तो मतलब मुनव्वर किसी का सगा नहीं है, इधर का उधर डोलता रहता है। सो आई डोंट थिंक सो इज ओके। बाय द वे तहर का भाई का प्राइस बढ़ता जा रहा है। 55 लाख की पार्टी हो गई, पहले 21 की थी, फिर हमने 45 की, अब 55 हो गई है। तो मैंने 21 लाख इसलिए दिए, अभी 22 लाख रुपए का केक न्यूजीलैंड से आया। ऑक्शन हो रहा है, बोली लग रही है, तो पार्टी की प्राइस बढ़ती जा रही है और हमको अंदर जाने की पार्टी सुनी हो रही है। मैं जा रहा हूँ अंदर। बाय बाय, लव यू। चलो, थैंक यू, लव टॉकिंग टू यू।